जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बशीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जमींदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेश कली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन की साथ हम लड़ेंगे, और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है, और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पास हम उनके साथ बात करने के लिए हमारा जो बीजेपी पार्टी की जो नेता होती है उनके पास जाके हम एक चिट्ठी ले दिए थे। उन्होंने सब कुछ छून के हमारा सा हम लोगों को बाधा किया। संदेश कली की माँ बहन के साथ हम है रहेंगे, और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। की बातों को आगे लेके आए हैं, जिस तरह से आपने एक लड़ाई लड़ी है सभी महिलाओं के लेके, जिसका आपने आवाज बन के उठी है, इसके बाद बीजेपी की ओर से आपको उम्मीदवार संदेश काली बसीरहाट से ही उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आपसे फोन पे बात की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इससे आशावादी थे? हमारा बसीरहाट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बशीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जमींदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे, और हमारा इधर जो बशीरहाट से जो 7 विधानसभा है वही सभा के अंदर एक संदेश कली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन की साथ हम लड़ेंगे, और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है, और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। आप अभी चले जाएंगे हाँ, उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूँगी। तो जिस तरह से आप इस मूवमेंट, इस लड़ाई के साथ लगातार एक आवाज बन के, डर भय लगा था इस तरह से वहां पे आप थे जब, क्या लगा था, क्या करना चाहेंगे? पहले तो डर लग रहा था, मगर जब हम 7 फरवरी को जब हम लोग के आंदोलन पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया के सामने जब आ चुकी थी, तो हमारा डर चला गया। डर लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, उनका कुछ ना कर दे, उनके ऊपर कोई हमला ना आए। पहले जैसे घर से माँ बहन को उठाया ले जा रहा था बच्चे लोगों के ऊपर गान पकड़ के, अभी ऐसा ना हो इसलिए हम लोग आंदोलन तो करती हूँ दिन दिन के दिन में। रात को हम लोग एक साथ 10-20 माँ बहन एक साथ एक गठन करके एक पूरा जूत के लिए पूरा रेडी रहती थी। नहीं तो वो लोग तो खुलेआम घूर रहा है, कब किसका ऊपर हमला कर देगा, यही था डर। और हमारा डर अभी तो डर चला गया, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ है, हमारा सर पे हाथ रखा है, तो हम उनकी हाथ रखने से हम और भी बलवान हो गए, और शक्तिशाली हमारा माँ बहन की आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गई। तो हमारा माँ बहन के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और हमारा माँ बहन की लड़ाई घर घर तक हम पहुँचाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई? प्रधानमंत्री के पास हमने हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम उनका उनके साथ बात करने के लिए हमारा जो बीजेपी पार्टी की जो नेता होती है उनके पास जाके हम एक चिट्ठी ले दिए थे उनके साथ बात करने के लिए, तो वो चिट्ठी पहुंच गई और उनके साथ बात हुई। आज 1:30 बजे 1:30 बज के 30 मिनट के आसपास उनके साथ बात हुई है। तो हमारा संदेश कली जो बसीराट की अंदर जो संदेश कली
आती है वही संदेश कली की पूरे घटना हम उनके पास बोली और उन्होंने सब कुछ सुन के हमारा हम लोगों को वादा किया संदेश कली की माँ बहन के साथ हम है रहेंगे और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट आपसे बात कर लो कि आवाज को जिस तरह से आपने उठाया उस आवाज में फिर वो अपने आप को शामिल कर। नहीं ये तो कभी सोची नहीं थी मगर वही हुआ तो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ और संदेश कली वर्षी आठ पूरे सात विधानसभा की माँ बहन गरीब भाई बहन की और जितनी छोटे छोटे जो परिवार है उनके साथ लेके हमको लड़ने की शक्ति जो उन्होंने जुटाया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे बशीराटों से ही लड़ेंगे और हमारे संदेश कली की माँ बहन एक उनकी एक ही बात कहूँगी मैं उन्होंने हमारे साथ है और रहे हमेशा के लिए और किसी की बात सुन के मेरे साथ कोई बाजे कोई गलत कमेंट ना करें यही है उनके पास एक शक्ति स्वरूपा। क्या बोला प्रधानमंत्री ने आपको जब उन्होंने हम लोगों के ऊपर जो नहीं कर पा रही है जो लोग नहीं कर पा रहे वो हम लोग औरत ने करके दिखाया तो उन्होंने शक्ति स्वरूपा तो बोलेगा दुर्गा माता जी बोल के भी सम्मान किया है काली माता भी बोल के सम्मान किया है तो यही सम्मान भी हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो भी करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज हमारा साथ है इसलिए ये लड़ाई हम आगे ले जा रही हूँ और आगे ले जाएंगे। कितने दिनों से आप इस तरह से बता इस तरह की मुसीबतों का आपने फेस किया है अभी तक अगर बात 2011 से हम वोट नहीं दे पाए और 2011 से अभी 2024 साल गिर चुकी है तो अभी हम लोग यही 2024 में हमारा जो बशियाट जो लोकसभा की जो माँ बहन है पूरा सब लोग पूरा अपने आप की जो हाँ सब माँ बहन अभी वोट देगा अपने अपने अधिकार से वोट देगा। इस तरह से समाज में ये तो बंगाल में सिर्फ संदेश का ही नहीं क्या लगता है कि बंगाल में बहुत सारे जगह है इस तरह की सभी को क्या आगे आना चाहिए। हाँ मैं तो चाहती हूँ सब लोगों के अंदर मैं भी हूँ क्योंकि हमारी ऊपर जो हमारी माँ बहन के ऊपर हमारी ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसके लिए सबको सामने आना चाहिए और एक साथ लड़ना भी चाहिए क्योंकि कोई आके हमारा लड़ाई नहीं देगा खुद को लड़ना चाहिए खुद लड़के जगह बनाना चाहिए जो जगह किसी ने नहीं छीन पाएगा क्योंकि वो खुद वो जगह है वो लड़के हम जुटाया मगर वो जगह कोई छीनने आएगा तो डरेगा ये जगह बशियाट की माँ की लड़ाई की जगह है तो डरेगा और वही डर हमेशा हमेशा के लिए उनका चेहरे पर हम देखना चाहेंगे। ऐसा फील हुआ कैसा लगा आपको जब ये समाचार? खुश तो हुई थी मगर अकेले अकेले कोई खुशखबरी सुनेंगे तो खुश नहीं इसे खुश नहीं लगता हमारा जो बशियाट की जो माँ बहन है सबको साथ सुने तो अच्छा लगता है तो हमारा कुछ नहीं कर सकी अकेले अकेले ही वही आनंदित को भोग करना पड़ा इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अभी हम जब पर्यटन में जब निकलेंगे सबके साथ हम शेयर करेंगे। तो दीदी क्या लग रहा है कि ये हो रहे हैं आपके ऊपर टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि ये प्लान है आप जिस तरह से आप मूवमेंट को आगे लेके आए ये सब मतलब जो कमेंट किया जा रहा है आपके साथ तो क्या आप बोलना चाहेंगे इनको? मैं एक ही बात बोलूंगी क्योंकि ये तो बीजेपी की कोई सदस्य नहीं बोल रहा ना
तो बोल रहा है टीएमसी के सदस्य, वो बोलने बोल बोलने दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है ये सब बोलने पे। उन्होंने बहुत दिन से कमेंट कर रहा है, अभी अभी अत्याचार कर रहा था ये भी बंद हो गया। फिर उन्होंने उनको जो जो मास्टरमाइंड जो शाहजहान शेख, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जो थी, उन्होंने अरेस्ट हो गया। उनके साथ साथ बहुत और लोग अरेस्ट हुआ है क्रिमिनल लोग। तो अभी तो कमेंट करेगा ही, क्योंकि अभी तो अत्याचार नहीं कर रहा है ना, कर पा रहा है, इसलिए तो कमेंट करेगा ही। और यही छोटे मोटी कमेंट में मुझे मेरा कुछ नहीं जा सक जाता था। कितने सालों से ये अत्याचार आप लोग, कब से और कौन कौन थे, कौन कौन थे तो नाम नहीं बता पाएंगे हम, मगर हमारा संदेश कली की माँ बहन के ऊपर हुआ ये अत्याचार, यही मैं बोल रही हूँ। क्योंकि सबके साथ सबके नाम बोलूंगी तो वो लोग फिर से जेल से निकलेगा तो गोपनीयत के साथ साथ तो उनके ऊपर अटैक करेंगे ना। तो हम चाहते हैं हमारी जो माँ बहन है सब लोग सेफ रहे और अपने अपने जो युद्ध है वो युद्ध में लड़ाई, हाँ वो लड़ाई में शामिल हो रहे, क्योंकि और भी क्रिमिनल है, उन्होंने भी अटैक कर सकती है। तो दीदी क्या आप अपने जिस तरह से चुनाव में उतरे राज्य के नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को वोट के लिए, अब चुनाव में उतर चुके हैं आप, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? एक ही मैसेज दूंगी मैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे वोट दे पाए और अच्छे से देने के लिए मैं उनकी साथ रहूंगी, उन लोगों के साथ रहूंगी और उनकी साथ मिलकर सब माँ बहन की भाई बापों को साथ रह के ये वोट दे पाए पूरे अपना ताकत से, यही देखूंगी मैं। कहेंगे शीर्ष नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के नेताओं ने जिस तरह से आपका साथ रहा, सारे आपके कार्यकर्ता बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जितनी भी नेता लोग है सबको मेरा नमस्कार और उनकी धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके लिए आज यहाँ आ पाई हूँ मैं और उनके लिए मैं लड़ूंगी और ये लड़ाई हर माँ बहन की घर पहुँचाने की कोशिश करूंगी। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।